गाइस हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको जो है केस स्टडीज पढ़ाने वाली हूँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में, जो अंडर द जुडिकल डिसीजन मतलब कोर्ट के द्वारा जो सुनाए गए हैं उनमें वो जो केस स्टडीज हैं, मैं आपको एक केस स्टडी पर एक वीडियो बनाऊँगी, मतलब शॉर्ट बट स्वीट। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना मेरी जान। तो पहला हमारा केस स्टडी है सर दीक्षा मानिक जी पतित, सर दीनशाह मानिक जी पतित। तो ये जो आता है ये प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में आता है। ये केस हुआ था 1927 में। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया था। तो ये है हमारे दीनशाह सर। तो ये क्या कर रहे थे, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है ये प्रॉफिट और इनकम कमा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो इन मतलब जो इंटरेस्ट सॉरी जो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, चार कंपनीज फॉर्म की मेरी जान। और वो जो इंटरेस्ट और जो इनकम और प्रॉफिट है वो उस चार कंपनी में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर जब वो कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जो उठाई, मतलब कि जब पर्दाफाश हुआ तो मतलब सामने आया कि वो एक ही बंदा है और उसने जो चार डमी कंपनी जो है वो फॉर्म करके रखी हैं। तो उस वक्त कोर्ट ने ये सुनाया कि दीनशाह एंड ऑल द फोर कंपनीज वर ट्रीटेड एज वन। मतलब इस केस में इतना ही है कि ये जो दीनशाह और उसने जो चार कंपनीज फॉर्म किए थे, मतलब डमी कंपनी जो फॉर्म किए थे, तो वो उसको जो है एक ही माना गया। तो इतना ही केस है इसका गाइस। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।